रात का सन्नाटा है, 2:15 बज रहे हैं रात के, और चारों तरफ से आपको कुछ आवाजें भी सुनाई पड़ेंगी। एक पुरानी पिक्चर थी पुष्पक, पुष्पक मूवी में कमल हासन तो रिकॉर्ड करके लाता था फिर वो होटल में सोता था, शायद किसी ने देखी होगी, मूक फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी। बहरहाल आज वीडियो में जो बात होगी वो ध्यान से सुनिए, इसलिए क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स में गिरावट हुई है वो मार्केट में जितना निफ्टी का 1000 पॉइंट का करेक्शन होता है उससे भी ज्यादा लाल हो गया पोर्टफोलियो, यानी कि 2000 पॉइंट का जो करेक्शन हुआ है, हुआ नहीं है लेकिन 2000 पॉइंट का जो करेक्शन होता उतना लाल हो गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप 40% गिर गए, और बाजार में अब यह है कि क्या रैली खत्म हो गई मिड कैप स्मॉल कैप की। तो ध्यान करो, मैंने दिसंबर में एक वीडियो लाया था ETF का कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर की गिरावट से डर लगता है तो इस ETF में काम करो, और वो ETF आप समझ लो रामबाण दवा है इस गिरते हुए बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप की। जिसको जरा सा भी डर लगता हो वो उसमें काम करे। पूरा वीडियो देखना, समझना मैं क्या समझा रहा हूं। अगर पूरा वीडियो देखा तो बाजार में पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता उतना ही आसान भी है, लेकिन अगर ये आसानी को नहीं समझा तो फिर हर कोई बाजार में पैसा नहीं कमाता है, जैसा कि मैं कहता हूं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी स्मॉल कैप ETF की, जिसमें करीब 250 शेयर का निचोड़ है। निचोड़ कैसे है? जैसे पहले वैद्य जी दवा नहीं बनाते थे, अच्छा तुमको बहुत घातक बीमारी है, लियो इसका रस उसका रस सारी भस्म मिला के एक दवा बनाई जाती थी, ऐसे ही ये ETF है। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, हजार बार समझा चुके। अच्छा, बड़ी खूबसूरती की बात क्या है कि अब बाजार में एकदम ETF के वीडियो की बाढ़ आ गई है, मैं देखता हूं YouTube में। और बड़ी खूबसूरती इसमें एक और है कि जो काम नहीं करते हैं सिर्फ चार्ट बताते हैं वो भी ETF भरपूर बताते हैं, ऐसा समझाते हैं जैसे उन्होंने खरीदा ही है, लेकिन खरीदना अलग है और समझाना अलग है। और मैं कभी ETF पे तभी बात करता हूं जब मैं उसमें प्रॉफिट कमा लेता हूं, जैसे कि मैंने जिस ETF की बात की थी दिसंबर में और अक्टूबर की गिरावट में खरीदा था, और मैंने कहा था उसमें 18% कमाया है, 117 और 19 के बीच में लिया था और 135 में बेचा था, शायद आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल सही, HDFC स्मॉल कैप 250, जिसको नाम बोलते हैं, इसका जो नाम है NSE में वो है HDFC SML 250, और ये मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है जो इसका एसेट एलोकेशन है, एक्चुअली में जो ये बेंचमार्क। अच्छा, दूसरा ये देखा है कि ये ETF बहुत पॉपुलर हो रहा है। देखो, ETF तभी अच्छा है जब उसमें वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का फायदा ये होता है कि हम एग्जिट ले सकें सही टाइम पे, एंट्री तो कर ली, एग्जिट कैसे लेंगे अगर वॉल्यूम नहीं है। जैसे मैंने अभी 2-3 ETF और तलाशे हैं, HDFC ग्रोथ है, वैल्यू है, तो इनमें मैंने थर्मामीटर लगा दिया और टेम्परेचर ले रहा हूं बराबर, लेकिन इसमें उस दिन देख रहा था कि वॉल्यूम ही नहीं थी। अब 1700-1800 शेयर का वॉल्यूम है तो हम क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे? वो प्रेम चोपड़ा कहता ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो ये तो डायलॉग की बात हो गई। लेकिन जब उनमें वॉल्यूम आएगा, उनमें प्रॉफिट कमाएंगे तो उस पर भी ETF लाएंगे। अभी HDFC SML 250 की बात करता हूं, 135 में बेचे थे, फिर मैंने 119 के शेयर जो थे वो 142 में बेचे, तो करीब करीब 20% रिटर्न कमाया था उस समय। और उसके बाद मैं बगुले की तरह इंतजार करने लगा कि ये कब रेट गिरेगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि पैसे को सांस लेने देंगे, बार बार पैसा नहीं बनता है कि मतलब आज कमाया फिर दूसरे दिन कमाया, जैसे ऑप्शंस फ्यूचर में करते हैं। इसीलिए तो ऑप्शन फ्यूचर बेकार है, क्योंकि उसमें आदत खराब हो जाती है, दूसरे दिन आदमी सौदा ढूंढने लगता है जबरदस्ती, है नहीं तब भी, अरे वंस ए व्हाइल ऑप्शन में काम करो, जब एकदम पक्का हो तब तो समझ में आता है। बहरहाल मैं उसका पूरा विरोध करता हूं, ऑप्शन फ्यूचर में नहीं जाना है। ETF की बात करता हूं, पैसे को सांस लेने देना था। दिसंबर में जब प्रॉफिट बुक किया, वो 142 की बात की थी, वो आ गया, बेच दिया। इसके बाद फिर फरवरी में यही ETF 158 गया, अपना ऑल टाइम हाई बनाया इसने। पिछले मार्च में 85 से शुरू हुआ था और 158 गया,
और मैं बराबर इंतजार कर रहा था कि कब ये ETF नीचे गिरे, कब बाजार में गिरावट आए और मैं दोबारा एंट्री लूं, क्योंकि मैं 142 में निकल गया था और एक टुकड़ा मेरा 119 का रखा हुआ था। तो जैसा मैंने बताया था कि मार्च मारक है, मार्च में गिरावट हुई और गिरावट ऐसी हुई कि निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन ना होकर क्रैश हो गए, सीधे पोर्टफोलियो क्रैश हो गए और ये 145 पे आ गया। 158 से 145 पे मैंने इसमें एंट्री की और इसको 136 तक खरीदा है। और सबसे खूबसूरती की बात कि नीचे वाला टुकड़ा मैंने 142 में बेच भी दिया है, आगे बताऊंगा। देखो, पहले मैं क्वांटिटी कम काम करता हूं। जब कोई शेयर या ETF दोस्त बन जाता है तो उसमें मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूं। तो इस बार जरा कुछ हचक के क्वांटिटी ली है मैंने, 145 में ली है बढ़िया क्वांटिटी, 136 में भी ली है। और देखो यार, हम टिपबाजी तो करते नहीं कि ये बता दिया इसे चलेगा वैसे चलेगा, ये बन रहा चार्ट। जो शेयर में काम करते हैं, जो ट्रेड लेते हैं, वही बताते हैं वीडियो में, बाकी कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत कम है, 0.20%, जो सबसे अच्छी बात है। खर्चा पानी कुछ नहीं है, धनाधन ऊपर नीचे चलती है इसकी, और म्यूचुअल फंड से तो यार अच्छा ही है। देखो हम लोग यार म्यूचुअल फंड में भी SIP क्यों करते हैं या गिरे मार्केट में लमसम क्यों लगाते हैं पैसा, इसीलिए लगाते हैं ना कि नीचे की NAV मिल जाएगी तो ज्यादा यूनिट सेल आउट हो जाएंगी। तो वही चीज यहां पे हुई कि 136 आया तो वहां पे ज्यादा शेयर खरीदने का मौका मिला ना, और हमको तो ऐसा ही ETF चाहिए जिसमें ऊपर नीचे खूब होता हो। जितना भाव ऊपर नीचे होगा उतना फायदा होगा ना, साल में 10 बार होगा तो 10 बार जॉबिंग करेंगे। और हम एक चीज आपको बता दें, अच्छे अच्छे मल्टी बैगर को पछाड़ सकता है अगर अच्छा ETF आपके हाथ में लग जाए। ये समझ लो कटप्पा की तलवार है, बाहुबली में देखे थे, मारेगी तो 20 से 2 कर देगी। देखो एक बात और है, बाजार जब गिरता है ना तो पूरा दिमाग घूम जाता है, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। अरे मेरा नहीं दिमाग काम करता है, मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता ही नहीं हूं। इतने सारे शेयर हैं बाजार की गिरावट में, सारे शेयर तो आप खरीद नहीं सकते हैं ना। इस SDFC 250 में, ये जो SDFC SML 250 ETF है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें 250 शेयर है और सारे बढ़िया शेयर हैं। तो इनको एक साथ खरीदने का तरीका क्या हो सकता है कि हम ETF खरीदें बाजार की गिरावट में। और इस बार मैंने ये जो फॉर्मूला अपनाया, ये पूरे 2024 चलेगा, और 2024 में ये ETF हमको अगर ठीक ठाक रिटर्न दे दे, भाई एक बार हमने 18% कमाई लिया था, चलो उसको छोड़ देते हैं, अभी इस फाइनेंशियल ईयर से जोड़ेंगे अप्रैल से, तो एक रिटर्न अभी और कमा लेंगे हम, ठीक है, एक कमाए ही छोटा सा 5% और एक 10-15% चक्कर में है ही। देखो बाजार बहुत चल चुका है, अगर 2 साल से देखोगे तो बाजार काफी चल चुका है। अगर इलेक्शन की इवेंट नहीं होती तो बाजार बहुत अच्छा गिरता, इलेक्शन की इवेंट में बाजार बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि कहीं जून जुलाई में ना प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। अब देखो इससे ये मतलब मत निकाला करिए, मैं टेलीग्राम पे भी जैसे बताता हूं, अच्छा दूसरा मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री टेलीग्राम है मेरा, लिंक से ज्वाइन करिएगा वीडियो के, उससे उसमें कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं, सिर्फ कमेंट्री देते हैं, क्योंकि मेरे नाम से और आनंद भाव के चैनल बने हुए हैं तो उसमें वो ऑप्शन फ्यूचर बताते हैं, वो सब कुछ नहीं बताते, मैं कमेंट्री बताता हूं, लर्निंग बताता हूं। ये वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल है, ठीक है, आपकी लर्निंग के लिए आप कुछ चीजें समझा रहा हूं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ये सारी कहानी अभी एक ही बार बता दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना, सब कुछ कर देना इस वीडियो को, ठीक है। आनंद भाव चैनल अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना। तो बाजार में गिरावट आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब हम टेलीग्राम में कहते हैं गिरावट आएगी, निफ्टी गिरने वाली है, होने वाली है, तो करते क्या है कुछ लोग कि जब हम बताते हैं निफ्टी बढ़ेगी या गिरेगी तो वो उससे ट्रेड लेने लगते हैं ऑप्शन का, वो गलत बात है। हम तो उस पर कमेंट्री करते रहते हैं, बाकी निफ्टी गिरती है तो हमें मौका देती है हमारे शेयर्स खरीदने के लिए, जो हमने दांव लगा रखा है जिसपे, है ना, जिसपे एकदम फोकस्ड है, सोनार एक्टिव होगा खरीदेंगे, तो वो शेयर खरीदने के लिए निफ्टी गिरती है तो लेते हैं और निफ्टी बढ़ती है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। लॉन्ग टर्म वाली कहानी हमारे साथ नहीं लागू है। अगर आपके पास अर्निंग है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं अच्छी, क्योंकि हमको पैसा कमाना ही कमाना है, हर महीने कुछ ना कुछ निकालना ही निकालना है, जानते हुए कि ये चीज अच्छी है, 10 साल चलाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, तो उसके लिए तो म्यूचुअल फंड में हम कर रहे हैं ना, वो उधर चल रहा है। लेकिन यहां तो हमको ऐसी मशीन चाहिए जो एकदम गन्ने को देखते हैं, मशीन में जाता गन्ना जूस निकालती जाती है, गन्ना फेंकते जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह का काम करना, हमको जूस चाहिए हर महीने, गर्मी आ गई है वैसे तो, जूस बढ़िया
पुदीना बर्फ डाल के पिया जाएगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट में इस ETF पे जरूर दांव लगाओ। इसका पोर्टफोलियो देख लेना जाके गूगल में, जितने भी अच्छे शेयर आपके दिमाग में आते हैं, सुजलॉन है, मिड कैप स्मॉल कैप के बता रहे हैं, एक्साइड है, साइंट है, बिरला सॉफ्ट है, सोनाटा सॉफ्ट है, दूसरा इक्विटास स्मॉल बैंक है ना, NCC है, BSC है, CDSL है, ये सारे शेयर इसमें है, नाल्को है ना, ग्लेन मार्क है, ब्रिगेड है रियल इस्टेट का है, रेडिंगटन है, शाम की दवा, रेडको खेतान है, MCX है, ब्लू स्टार है, RBL बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, एंजल वन है, IDFC है, एक मशीन का शेयर है जो बढ़िया बनाती है, LG इक्विपमेंट है, और आपका ग्लोबल हेल्थ है जिसको मेदांता कहते हैं, IIFL फाइनेंस है इसमें, JB केमिकल है। ये थोड़े से हमने जो शेयर बताए हैं इसमें ज्यादा वेटेज है, मतलब ज्यादा शेयर में परसेंटेज वाइज होता है ना इंडेक्स में कि इसमें इतना वेटेज है, इसमें इतना वेटेज है, तो इसमें 250 शेयर में जो शेयर्स बताए इनमें ज्यादा वेटेज है। अब इतने सारे शेयर्स को अगर अकेले नहीं खरीद सकते हो तो यहां पे खरीदो बढ़िया से भाई। CDSL BSC गिर रहा था तो खरीद नहीं सकते थे ना यार, बहुत पैसे लगते, सुजलॉन नहीं खरीद सकते, डर लगता है अकेले कहीं गड़बड़ा ना जाए, तो ये खरीदो, सबसे बढ़िया ETF है, इसको खरीदना है। और चाहे देखो भाई क्लियर कर दें, खरीदना नहीं बता रहा हूं, मैं खरीदूंगा, मैं इसमें जॉबिंग करूंगा, मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। 85 से चला था पिछली मार्च से ये शेयर और 158 तक गया, यानी 85 पे 85% का रिटर्न दिया पूरे साल में, और हमने भी इसमें 20% का रिटर्न कमाया दिसंबर में, और दिसंबर अभी आने में टाइम है, हम जोड़ेंगे 2024 दिसंबर तक, दिसंबर से दिसंबर तक जोड़ेंगे जब पैसा कमाया, और 5% अभी कमाया, 136 तक खरीदा, वो नीचे वाला टुकड़ा हमने 142 में बेच दिया, तो 5% वहां कमाया हमने। तो अगर एक तरह से देखो तो 18% 20% और 5 ये मतलब 18-20% मान लो उसको, 5 ये तो 25% तो हम कमा चुके, हम कहते हैं मोटा मोटा 22% कमा लिए, 18-5 22-23% हो जाता है ठीक। जब हमारा वीडियो सुना करो तो डायरी पेन ले लिया करो, तो उसमें लिखा पढ़ा करो, क्योंकि हमको यार एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करेंगे, जो डेटा बता रहे हैं उसको खुद ही एडिट करके समझ लिया करो कि कितना परसेंटेज बना है। अब हम साल में मतलब अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, मई में आएगा, इसका रिजल्ट अगर अच्छा आया तो हो सकता है 10-15% ETF में हमको तुरंत मिल जाए पैसा, अभी जो हमने खरीदा है 145 का हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ऊपर का टुकड़ा तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। देखो नो बाई सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूं उसको रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, और ना मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाइएगा, बल्कि मेरी बातों को कसौटी पे परखो, अपनी अकल लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, बिना समझे बिना अपना दिमाग लगाए आप सीधे सीधे मेरे ट्रेड को कॉपी मत कर दीजिए। जो भी मैं ट्रेड बता रहा हूं या शेयर कर रहा हूं उसको पहले समझो, उस पर रिसर्च करो कि हम सही भी बोल रहे हैं कि बातें बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हां, अगर इस बाजार में थोड़ी सी मेहनत खुद भी करोगे तो एक दिन आप मेरे ही जैसे सोचने समझने लग जाओगे, पैसा कमाने लग जाओगे। बहुत ज्यादा टिपबाजी से काम नहीं होगा, किसी ने कुछ बता दिया, सीखना पड़ता है, सीखो। हम रोज सिखाने आएंगे, कह रहे हैं रोज आएंगे, आते हफ्ते में एक बार वीडियो बना के, तो जब जब आएंगे तो समझना कि क्या बता रहे हैं, अच्छा बताएंगे। जिनके पास पैसे कम हैं और वो छोटी क्वांटिटी में बड़ा धमाका यानी कि बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए शायद मैं कोई बात बता सकूं, कुछ उनको समझ में आ सके तो बढ़िया है। एक बात और यहां समझने वाली है कि जो ट्रेड मैं टेलीग्राम या इस वीडियो में बताता हूं, उस ट्रेड से मैं कब निकल जाऊंगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। वही राकेश झुंझुनवाला वाली बात याद आती है कि ट्रेड तो बता दूं लेकिन मैं कब निकल जाऊंगा या मैं कब पलटी मार जाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। या तो आप मेरी लर्निंग कम्युनिटी में जुड़े हो, जहां पे मैं अपने लर्निंग या अपने ट्रेड्स शेयर करता हूं, अपनी स्ट्रेटजीज बताता हूं कि मैं किस तरह से काम करता हूं, या तो उस ग्रुप में जुड़े हो, ऐसा कुछ है नहीं तो फिर अपना दिमाग लगाना ही लगाना है। अब वीडियो को ध्यान से सुनो, मैं कैसे काम करूंगा इस ETF में, कैसे पैसे कमाऊंगा। देखो यार, पैसा कमाना बहुत सरल है, बहुत सारे शेयर्स के पीछे मत भागिए। मार्केट भाग रहा था, रोज टीवी में एक नया शेयर बता रहे थे, टीवी में एक बड़ी खराबी है, जैसा मार्केट चलने लगता वैसे कहानी बताने लगते हैं। अभी तेजी की गारंटी थी, तब क्या होता, कुछ नहीं बेचना था, फिर अचानक हुआ बताया कि यार मार्केट बहुत गर्म हो गया और शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जब गिर रहा था ठीक, और फिर अचानक बताया कि अब बस तुरंत यहां से बाइंग करिए,
और अप्रैल में, तो ऐसे नहीं होता है। सारे शेयर्स को तुम ना जानते हो ना समझते हो, रोज टीवी में एक शेयर बताया जाएगा, या तो उस कंपनी को पढ़ा हो आपने, उन्होंने बता दिया था इसलिए फंस गए या हो गए, यही बाद में कहते सुनते देखा जाता है कि यार उन्होंने बता दिया था ये शेयर इसलिए फंस गए। ऐसा नहीं करना है, सिंपल दो चार ETF पकड़ लो यार, साल भर में 20-25% आराम से बनेगा। म्यूचुअल फंड में 15% के लिए इतना लालायित रहते हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केट में 20-25% आराम से बनता है अगर आप समझदारी से काम करेंगे। मैं बनाता हूं, फिर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं कि मैं बनाता हूं। अभी ETF पे और सारे वीडियो लाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे एक एक ETF में मैंने 70-80% कमाया, 100% कमाया, 1,00,000 रुपए कमाया है। अब देखो यार, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। जो 1,00,000 कह रहा कमाया तो उसने लाखों रुपए लगाए तो 1,00,000 रुपए कमाया है। ETF में ये प्रॉब्लम है। शेयर्स में तो ये होता है कि यार 100 रुपए का शेयर लिया 2,000 हो गया, 2,000 भी एक दिन में थोड़ी ना होता है, 4-4 साल लगते हैं। आदमी को लगता है कि मल्टीबैगर बता दो, अरे जिसका मल्टीबैगर शेयर बना है उसको खुद नहीं पता होता कि मल्टीबैगर कैसे बन गया। इवन जो कंपनी चल रही थी उसे नहीं पता होता है कि हमारा शेयर मल्टीबैगर होगा, अक्सर ऐसा देखा गया है। कंपनी को नहीं पता होता, चलते चलते चीजें चल पड़ती हैं, मामला आ जाता है, सेल्स अच्छी आ जाती, ग्रोथ आ जाती, मुनाफा होने लगता है, ऐसे ही होता है काम। पता नहीं पब्लिक को कौन सी चीज पसंद आ जाए, जैसे शायद हम पसंद आ गए आपको, ऐसे समझ लीजिए। तो HDFC स्मॉल कैप ये जो 250 है, SML 250, इसमें 136 का जो टुकड़ा लिया था वो तो दिया बेच, 145 का टुकड़ा मैंने रख रखा है। अगर ये ETF गिरेगा, ETF तभी गिरेगा जब मिड कैप और स्मॉल कैप में और गिरावट आएगी, और ऐसा लगता है कि कुछ शेयर्स में गिरावट आएगी, और वो अगर इस इंडेक्स के कंपोनेंट हुए, इस ETF के साझेदार शेयर हुए, तो ये ETF गिरेगा। तो जब ये ETF गिरेगा तो इसको मैं फिर से 136 में लूंगा, 136 के बाद तुरंत 133 में लूंगा, 130 में लूंगा, 128 में लूंगा, 125 में लूंगा, 119, 118 में लूंगा, 115, 114 में लूंगा, यहां तक लूंगा। इसके बाद थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, क्योंकि इतना गिरने का मतलब है कि स्मॉल कैप में मिड कैप में हाहाकार मच रहा होगा अगर ये 114 रुपए बिक रहा होगा। वैसे मचने को कुछ नहीं है क्योंकि बढ़ा बहुत तेज है भाई, जो पिछली अक्टूबर से मार्केट बढ़ा है, HDFC कह रहे हैं, मतलब ये स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली आई वो 100% की आई है लगभग, बहुत तेजी से भागे हैं शेयर हमने तो देखा, तो गिरेंगे भी। वैसे यार कोरोना के टाइम में 180-190 में हम अदानी इंटरप्राइज में काम कर रहे थे, तो 3,000 का शेयर है ना, बल्कि और 4,500 भी गया था शायद, जब वो हिंडनबर्ग के पहले वाली बात थी। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो 20-25 रुपए के थे। ये समझो जब पिछले साल यानी मार्च 2023 से और ये मार्च 2024 तक, ऑटो बीज में अभी हम बताएंगे किसी वीडियो में, उसमें तो हमने 75% रिटर्न कमाया। तो जब ETF बढ़ गए 50-50-100%, तो शेयर की बात ही छोड़ो, तो करेक्शन भी आ सकता है, इसकी तैयारी रखनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मुनाफा बांध के लाते रहो, पैसा थोड़ा घर में ला के रखते रहो, उसको सांस लेने दो, क्योंकि जब बाजार गिरता है और आपके पास पैसे नहीं होते तो मन बड़ा महसूस के रह जाते हो। पोर्टफोलियो लाल हो तो अपनी जगह होता है, एक बड़ी खराबी होती है इस मन की कि यार हम गिरावट में शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं, और इस मन में एक बहुत अच्छाई भी होती है, गिरावट में जरूरी नहीं कि आप 1,000-2,000 शेयर खरीदिए, गिरावट में आप 10-5 शेयर ही खरीद लो नीचे वाले लेवल पे, तो मन ये शांत हो जाता है, मन सेटिस्फाई हो जाता है कि अरे यार हमने नीचे खरीदे थे। और ऐसा बताते हैं जब प्रॉफिट बुक करते हैं, अरे यार हमने खरीदा था गिरावट में नीचे, 80 रुपए में मिल रहा था, 100 रुपए में बेचा है, शेयर चाहे 10 हो, 20 रुपए में 200 ही रुपए कमाए हो, लेकिन मन में जो वो हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको मैं बोलता हूं खुशी के हार्मोन, जो खुशी के हार्मोन निकलते हैं ना, वो मन को तृप्त कर देते हैं। पूरा पोर्टफोलियो लाखों का घाटा एक तरफ, और जो 200 रुपए आपने इस तरह कमाए वो एक तरफ, उसकी खुशी अलग होती है। वो सारे दुख को, जो पोर्टफोलियो लाल होने का दुख होता है, जो दर्द होता है, उसको हर लेती है कि अरे यार नीचे लिया था शेयर, अब देखो बेचा है। और इस तरह के अगर आपने 10-10-20-20 कई कंपनी के शेयर ले लिया, ETF ले लिए, और आपने धोखे से 10-5 हजार रुपए जब वो मार्केट रिकवर करेगा मान लो, और कमाया आपने, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो ये तरीका है साइकोलॉजी, मतलब मार्केट में बने रहने का तरीका ये करना चाहिए, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, प्रॉफिट बुक किया होगा तभी तो करोगे ना। जब बाजार गिरेगा तो इस ETF में जहां तक, जिस प्राइस तक मैं खरीद पाऊंगा, RPS मोड में खरीदारी करूंगा, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार खरीदारी करूंगा। मान लो मैं 122 रुपए तक ही खरीद पाया और उसके बाद 128 चला गया, तो मैं 5 रुपए ऊपर बेच दूंगा नीचे वाला टुकड़ा, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट बुक करते चलना है। जैसे जैसे टुकड़ा खरीदा है,
वैसे वैसे बेचता चलूंगा। वो कहता ना कारतूस का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कारतूस, एमओके बोलता हूं ना, तो वो चीज है ये, तो उसी तरह बेचता भी चलूंगा। फिर ये वही समय काल देश परिस्थिति की बात फिर आ जाती कि मार्केट अगर बहुत तेज होगा तो धीरे धीरे बेचूंगा, अगर लग रहा होगा फिर वहां से नीचे आ सकता है तो तेजी में बेच दूंगा। ये अनुभव से आता है कि बाजार में कब कितनी खरीदारी करनी, कितनी क्वांटिटी किस समय ज्यादा ले लेनी है। कभी कभी मैं एक ही दिन में कई बार क्वांटिटी ले लेता हूं। अभी जब 145 से 136 गिरा था ये ETF, तो मैं मतलब दिन में चार बार खरीद रहा था एक ही दिन। और ETF में यही फायदा है कि आप इसमें सिंगल डे में मल्टीपल बाइंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ये नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में जो आपने खरीदारी की उसमें शाम की एनएवी अलॉट होगी, और यहां पे तो भैया 145 में भी ले रहे हैं, 142 आया वहां पे भी ले रहे हैं, 140 में भी ले रहे हैं। अगर कोई चीज गिर रही है ETF तो कई रेट में ले सकते हैं और कई रेट में उसको बेच भी सकते हैं, मतलब एक ही दिन में मल्टीपल स्विंग कर सकते हैं बेचना खरीदना। लेकिन इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो आजकल तो सभी लोग डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं, सुना 10-12 करोड़ हो गए, 10-12 करोड़ में 2-4 करोड़ गायब होने वाले हैं, ये पक्की बात है। गायब होंगे या काम धंधा बंद कर देंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप पे तो बहुत बात हुई, ऑप्शन पे बात नहीं हुई। ऑप्शन में जितना मतलब कोहराम मचा हुआ है उस पर कोई किसी की निगाह नहीं जा रही कि ये गलत काम हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ाए गए और सही बात है बढ़ाए गए, कुछ तो गड़बड़ हुआ ही ना, ऐसे कैसे इतने बढ़ गए शेयर। कुछ खराब शेयर भी हमारी आंखों के सामने बढ़ते दिखे, तो कहीं से लिक्विडिटी आई ना, लिक्विडिटी ने सब कुछ बढ़ा दिया और रिटेल को थमा दिया शेयर कि थामो बेटा। फिर न्यूज आ गई, फिर गिर गया। अब ऊपर के रेट में जो लोग फंसे फरवरी के में, इतनी जल्दी रेट आएगा, नीचे ही प्राइस में होता रहेगा, साल साल भर के लिए फंस गए। अभी किसी वीडियो में बताएंगे कि जो शेयर पिट गए हैं उनका नंबर कब आएगा, वो कब चलेंगे, जैसे जुबिलियन फूड है, ग्लोबस स्प्रिट है और गुलपॉली भी, कई शेयर मतलब ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, HDFC बैंक भी उसी में जोड़ लीजिए, वो भी अभी चलने में टाइम लेगा लेकिन चलेगा, बढ़िया। ये मेरे नितांत निजी विचार हैं, पर्सनल ओपिनियन है भैया, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन ना समझ लीजिएगा, बार बार डिस्क्लेमर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाम ले लेते हैं शेयर्स का। कभी कभी आपका भी मन होता होगा ये पूछने का कि सर आप इतनी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग क्यों करते हैं जब आपको पता रहता है ये शेयर ऊपर जाएगा। वो मजबूरी है यार, हमको पैसे चाहिए होते हैं हर महीने, कुछ चाहिए भी होते हैं, कुछ एड्रेनलिन भी निकलता है, कुछ मजा आता है कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक किया जाए, फिर लिया जाए, वो किया जाए। बाकी कुछ शेयर अलग पड़े रहते हैं जो लगता है कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ तो हमको करना ही होता है थोड़ा बहुत। हर महीने का पैसा नहीं जनरेट होगा तो कैसे होगा, या तो नौकरी होती। अब जिनकी नौकरी है वो इस ETF को, फिर यार नो बाई सेल रिकमेंडेशन, 10 साल तक अगर SIP करोगे तो एक बढ़िया पैसा बनेगा, अच्छे अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक को ये बीट कर देगा ETF। माई बोल्ड स्टेटमेंट, HDFC SML 250 अच्छे अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक को बीट कर देगा 10 साल में, बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा। अब रिटर्न नहीं बता सकता कितना बनेगा, लेकिन अच्छा रिटर्न बनेगा अगर संयमित होकर छोटी छोटी क्वांटिटी में हर महीने सिप करोगे। और जो हमने 145 का ऊपरी टुकड़ा लिया, अगर 154 आ गया ये शेयर मतलब शेयर ही बोलते हैं इसको ETF, तो क्योंकि शेयर जैसा मजा है और म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है, ETF को शेयर ही बोलते हैं, तो इस ETF को 154 में बेच दूंगा मैं। देखो बाजार बहुत बढ़ गया है, अब लग रहा है कि नहीं यार ग्रोथ है, सब कुछ है, ग्रोथ है सब कुछ है, सारी बातें, इलेक्शन भी हो रहा है उसमें भी बढ़ेगा, लेकिन बाजार डिप भी देगा। जब डिप देगा तो दोबारा खरीदेंगे शेयर्स, अभी बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्या प्रॉब्लम है, ऊपर बढ़ रहा है बाजार, बढ़ने दो, हमारे पास है शेयर, हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं रुकेंगे कि नहीं अब ग्रोथ स्टोरी एकदम तकड़ी है। हां तकड़ी है, 10 साल की ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन काफी कुछ इंडेक्स में, निफ्टी में, शेयर्स में प्राइजिंग हो गया है। प्राइजिंग कैसे हो गया है कि भाई ऑर्डर मिल गए, सब हो गए, एग्जीक्यूट तो होने दो कुछ। ऑर्डर तो एक एक कंपनी की झोली में बहुत पड़े हुए हैं, PSU शेयर्स जो इसलिए भागे हैं, सबको रेलवे वालों को खूब ऑर्डर मिले, एग्जीक्यूट होने दो, बनने दो यार। 2014 में जो जापान से लोन लिया गया था बुलेट ट्रेन का, अभी बुलेट ट्रेन को लग गए ना कितने साल, 10 साल लग गए, अभी बुलेट ट्रेन वो चलती नहीं दिखाई पड़ी है, ट्रैक बन गया सब कुछ है, शायद 1-2 साल में चलेगी, तो होने दो चीजों को। इंडिया में ग्रोथ है नो डाउट, तो ग्रोथ है तो थोड़ा सा धीमे धीमे खाया जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ, है ना। ये सारे चीजें मेरी अपनी सोचने का विषय है, जैसे मैं काम करता हूं। आप बहुत एग्रेसिव हो तो एग्रेसिव वे में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिव बाइंग इस ETF में भी नहीं करनी है,
है ना, धीमे धीमे काम करना है। तो 154 में अगर ये मेरा पूरा ETF निकल जाता तो मैं क्या करूंगा? तो एक मेरा ये काम करने का तरीका है कि जब कोई शेयर्स पूरा बिक जाता है तो उसमें फिर से एंट्री करते हैं। अगर मेरा उसमें कन्विक्शन है, अगर मेरा उसमें विश्वास है, तो वो शेयर मैं दोबारा खरीदूंगा। जैसे BSE पूरा बेच दिया था, थोड़ा सा रखा है लॉन्ग टर्म वाला, 250 शेयर रखे हूं, 150 रुपए के हिसाब से वो रखे हैं, लेकिन बाकी मैंने सब बेच दिए थे। टेलीग्राम पे अपडेट किया था, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो मेरा अगर कुछ करना है शेयर मार्केट में। वो सारे शेयर मैंने बेच दिए थे और दोबारा एंट्री लिया। तो ये दोबारा एंट्री लेने वाला मेरा इस ETF में भी रहेगा कि 154 में बेच देंगे, अगर 158 चला गया तो भी एंट्री लेंगे। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि बाजार में अनुशासन का ही शासन है। प्रॉफिट भी अगर हमने सोचा है 154 में बुक करना है, क्योंकि 145 वाली चीज जब 154 में बेचेंगे तो 8-10% का रिटर्न बन रहा होगा, और क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अच्छा पैसा बन रहा होगा, तो बेचना तो है ही भाई, है ना। ये तो समझो सिल्वर की तरह, रानी की तरह, ये भी पैसा छापने की मशीन बनेगा ये ETF, याद रखिएगा। तो यार इस ETF में मैंने सारी बात कर दी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो दबा दबा के इसको लाइक करिए वीडियो को, खूब शेयर करिए इस वीडियो को, है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो मेरे YouTube चैनल पर आनंद भाव को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।